हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए तीन बड़े अपडेट हैं। तीनों के तीनों अपडेट, या बोल सकते हैं तीन से चार पांच अपडेट भी हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपकी एज 60, 65 या 70 साल पूरी हो चुकी है तो उसके लिए और भी बड़ी खबरें हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें चेंज होंगी। आपको मैं बताऊँगा क्या जुलाई 2024 में डी ए और डी आर 55% 54% होने के बाद बेसिक में मर्ज होगा। बड़ी अपडेट आ रही है इस पर भी। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है एडिशनल पेंशन को लेकर के, क्या उम्र में 65, 68, 70 और 80 साल सर्विस पूरी होने पर क्या आपको एडिशनल पेंशन मिलती है और कैसे मिलेगी, क्या है सारी अपडेट। और साथ ही साथ एडिशनल पेंशन 20, 30 और 50% में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल एक मुझे कमेंट्स आया था कि उनको अभी तक एडिशनल पेंशन नहीं मिली है, तो क्यों नहीं मिली है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं और आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है ताकि आपको एडिशनल पेंशन आपको टाइम पर मिले, टाइम नहीं मिले, और आपको सारे एरियर्स और अदर जो बेनिफिट्स हैं पेंशनर्स के सुपर एनुएशन के बाद में, वो सारी चीज़ें उनको टाइमली मिलें, तो क्या क्या कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करना है, यानी सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबाना है और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे हमसे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट सी तरीके से आपको मिलने लगेंगे। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए आपके पास, उसके लिए आपको घंटे के निशान को प्रेस जरूर करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड उनके सर्कुलर, ऑफिस मेमोरेंडम, साथ ही साथ नोटिफिकेशन दिखाए और समझाए जाते हैं। साथ ही साथ पेंशनर्स की कोई समस्या होती है तो वो भी हम सॉल्व करते हैं और उनको सही रास्ता दिखाया जाता है। अभी तक बहुत सारे पेंशनर्स का फायदा भी उठा चुके हैं, आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे पेंशनर्स हमें कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। चलिए बड़ी पहले बड़ी खबर का तब लेकर चलते हैं जो कि आ रही है जुलाई 2024 में। पहले देख लेते हैं कितना प्रतिशत डी ए और डी आर हो सकता है। आपको पता है कि जनवरी 2024 में आपको 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल चुका है। ऐसे में आप कर्मचारी और पेंशनर जानने के लिए वे बेताब हैं कि उनको जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना मिलेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले, जैसे अभी तक मुझे एक्सपीरियंस है पिछले लास्ट 10 ईयर्स का इस फील्ड में, तो हमेशा जो मैंने डी ए और डी आर के आंकड़े बताए वैसा ही हुआ है, और हमेशा उसी टाइप से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत उस प्रकार से आपको प्रोवाइड कराई गई है। सामने एक डी ए कैलकुलेटर देख सकते हैं, अभी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है उसके बेसिस पर प्रेजेंट में आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो अभी आपको 50.84 है। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें मंथ्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा उसमें पुटअप करने के बाद में और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा और कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए उसमें फाइनली 54% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत निकल सकता है। हालांकि ये डेटा जो है हमने एक्सपेक्टेड लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि डेटा भी ऑफिशियली 138.9 के साथ में आया है, हमने जो डेटा बढ़ाया है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली एक एक या फिर 0.5 जो डेटा जैसे बढ़ता है वैसे ही लिया है, बहुत एक्यूरेट ये डेटा है। और अब जब डेटा आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज मुझे लगता नहीं होंगे, तो इस हिसाब का आपको 54 या ज़्यादा से ज़्यादा 55% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है क्या जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मर्ज होगा। लेकिन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे हमारे, तो कि मर्जिंग जैसी सिचुएशन 7th CPC में नहीं है, क्योंकि एक पेंशनर से कल कमेंट किया था, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली थी या कहीं किसी ने बताई थी कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मर्ज होगा 55% पे या 54% पे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये बिल्कुल क्लियरली बेसलेस न्यूज़ है। मर्जिंग जैसी सुविधा 5th पे कमीशन में थी, 7th CPC में से कोई भी सुविधा सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराई है, और जैसे डेटा अभी बढ़ता जा रहा है डेटा वैसे ही बढ़ता रहेगा। आप किसी टाइप की किसी भी रूमर से बच के रहिए, अभी इस टाइम रूमर्स बहुत हैं मर्जिंग पर, लेकिन मर्जिंग अभी सिचुएशन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इसमें आगे आने वाले दिनों में भी एक मुझे लगता है क्लियरली एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स निकालेंगी, क्योंकि मर्जिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा रूमर्स उस टाइम हो चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी
जो कि आ रही है एडिशनल पेंशन पर लेकर के। एक पेंशनर ने सवाल पूछा था कि क्या एडिशनल पेंशन 60, 65, 68, 70 या 80 कब जो है उनको एडिशनल पेंशन मिलती है, लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सर्कुलर भी दिखा चुका था उनको। हालांकि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि 80%, 65, 70 या क्या एज होती है एक पेंशनर्स की जब उसको एडिशनल पेंशन मिलती है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसका आंसर जो सेकंड वाला देख रहे हैं लास्ट में देंगे, आप जब तक कमेंट इसमें कमेंटमेंट टाइप कर दीजिए, फिर हम इसको आंसर इसमें देंगे। लास्ट जो खबर है उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें मैं अपडेट करूंगा सेकंड नंबर के पॉइंट में, एडिशनल पेंशन में, आप जब तक कमेंट कर दीजिए। और जबकि उसके बाद मैं आपको पहले मैं थर्ड नंबर की जो न्यूज़ ले लेता हूं, फिर मैं आपको सेकंड का आंसर दूंगा। और एक और इसमें बड़ी अपडेट है एडिशनल पेंशन को लेकर के, वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा है कि एडिशनल पेंशन जो है 20, 30, 50% जो आप ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है पेंशनर्स को। प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जब इस पर से माइग्रेशन हुआ पेंशनर्स का तो वहाँ पर कई सारे डेटा चेंजेस हुए, जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई। जैसे किसी पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1955 है तो उसकी जगह 1 जनवरी 1967 हो गई, 68 हो गई, या और भी दो कई सारे ऐसे चेंजेस भी देखने को मिले कि 2000 के बाद का भी इस पर से माइग्रेशन का डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ, तो आपको वो सही करा लेना है। दूसरा, कई जगह पर पेंशनर्स की रैंक चेंज हो गई है, आप जिस रैंक में थे या जिस डेजिग्नेशन पे थे वो चेंज हो गई है, या और भी कई अगर और एनी अदर जो प्रॉब्लम्स आपको हुई हैं उसके चलते भी आपको एडिशनल पेंशन नहीं हुए, तो आपने रिकॉर्ड ऑफिस में जा करके एडिशनल पेंशन लेने के लिए आपको पहले अपनी सारी जो भी पीपीओ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हो, माइग्रेशन को लेकर के हो, रैंक को लेकर के हो, या कोई भी अदर नॉमिनीज वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो उसमें भी एडिशनल पेंशन पर इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बहुत ही रूबरू होके रखिए, इनसे गो थ्रू होके रखिए, आप एडिशनल पेंशन और या पेंशनर्स के अदर जो भी कोई बेनिफिट्स हैं वो आप इसमें तभी ले पाएंगे। चलिए हम आंसर दे देते हैं दूसरे क्वेश्चन का। एडिशनल आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर अभी तक दे दिया होगा। एडिशनल पेंशन आपको मिलती है 80 साल से, ये मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन पेंशनर्स ने पूछा था कि एडिशनल पेंशन कब से मिलेगी, तो 80 साल से उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 20% मिलेगी, वो भी मैं बता चुका था, फिर भी बता देता हूँ। लेकिन इसमें अब एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि अभी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि अभी जो सूत्रों से, जो मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि एडिशनल पेंशन पर जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उन्होंने सरकार को लेटर लिखा था कि एक एडिशनल पेंशन जो है 65 साल से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि 80 साल एक बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है पेंशनर्स के लिए, 60 से लेकर 79 ईयर्स के बीच में उनको कोई भी बड़ी हुई पेंशन नहीं मिलती है, तो उनको बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 65 साल से की जानी चाहिए, जिससे पेंशनर्स को उसमें थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की एसोसिएशन ने सरकार से एक प्रपोजल भी दिया था, वो प्रपोजल मैंने पहले भी बताया था। प्रपोजल ये था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इन दोनों में से, दो प्रपोजल दिए थे, इनमें से कौन सा बेस्ट है, पहला कौन सा बेटर है, सॉरी। पहला जो ऑप्शन था एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, कि हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सपोज करिए 60 से 65 साल के बीच में 5% की, 65 से 70 साल के बीच में 5% की, 70 से 75 साल के बीच में 5% की, और 75 से 80 ईयर्स के बीच में या 79 ईयर्स के बीच में 5% की। या दूसरा प्रपोजल था पेंशनर्स के लिए कि जिस प्रकार से सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए हर साल बेसिक में 1-1%, 3-3% की बढ़ोतरी होती है, तो एटलीस्ट पेंशनर्स के लिए एक साल में 1% की बेसिक बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे उनको राहत मिल सके। तो आप हम इन दोनों में से कौन सा बेटर है कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। लेकिन इसके अलावा आपको कोई आपकी प्रॉब्लम, आपकी पेंशन है, आपकी फैमिली पेंशन है, इवन आपके सैलरी से रिलेटेड या उसके अदर बेनिफिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश